आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। वेलकम ऑल ऑफ यू इन हिंदी क्लास। बच्चों अब तक जितना अपना काम हो चुका है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आई होप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। लर्निंग रीडिंग वर्क प्रॉपर वे से कर रहे हैं आप लोग, आफ्टर पीटी अच्छे से कर रहे हैं। ओके तो बच्चों आज हम करेंगे पाठ 11 सुख की कुंजी। ये जो एक कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, ये कविता सुख की कुंजी। कुंजी क्या होता है? चाबी। तो इस पाठ में पता है क्या बताया है कि मनुष्य जितनी मेहनत करेगा यानी वो जितना परिश्रम करेगा जितना तपेगा उतनी ही उसको सफलता मिलेगी। और ऐसे ही और भी ये बताया कि जैसे धरती ज्यादा तपती है फिर उसके बाद क्या होता है बादल आते हैं, ऐसे ऐसे मनुष्य है, मनुष्य भी जितना तपेगा उसके बाद उसको ठंडक मिलेगी यानी उसकी उसको सफलता मिलेगी। यही चीज इस पाठ में बताई है। चलिए हम रीड करते हैं बच्चों। ओपन पेज नंबर 83 गुलमोहर पुस्तक पाठ 11 सुख की कुंजी। देखिए क्या लिखा है इसमें, तपती धरती तपता अंबर। इसमें गर्मी के महीने की बात की गई है, जेठ महीने की। जेठ महीना कब होता है? ये जेठ महीना ना देसी महीना है हमारे, जैसे अंग्रेजी महीने ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे ही देसी महीने होते हैं। उसमें से एक महीना होता है जेठ का, जो लगभग हमारा मई के मिड में शुरू होके जून के मिड तक चलता है। ठीक है, तो जेठ महीने की बात हो रही है। जेठ महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मई के मिड से लेके जून के मिड तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो उसी महीने की बात चल रही है इसमें। तपती धरती, उस महीने में क्या होता है, धरती जो है बुरी तरह से तपती है, और तपता अंबर आसमान भी तपता है। हम चाहकर भी धूप में निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा धरती तप रही होती है और अंबर आकाश भी तप रहा होता है। कण कण बना अंगारा, हर चीज ऐसे लगती है जैसे आग में। अंगारा आग का जो टुकड़ा होता है, आग जब जल जाती है लकड़ियां जल जाती हैं तो पीछे क्या रह जाते हैं, उसके अंगारे रह जाते हैं। तो जैसे हम अंगारे को हाथ लगा रहे हों ऐसे ही हर चीज कण कण यानी हर चीज हमें ऐसे लगती है कि अंगारे बिछे हुए हैं। झुलस रही हरियाली सारी, उस महीने में क्या होता है, झुलस मतलब सारी चीजें मुरझा जाती हैं, हरियाली हमारे चारों तरफ जो हरियाली होती है वो भी बिल्कुल मुरझा जाती है गर्मी के कारण। झुलस रहा जग सारा, जग संसार, गर्मी के कारण सारा संसार झुलस रहा होता है, तप रहा होता है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, दुबक गर्मी के कारण वे भी दुबक जाते हैं, कहाँ, नीड़ों में। नीड़ क्या होती है, घोंसले, नीड़ घोंसला, नीड़ों घोंसलों। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पक्षी दुबक कर घोंसलों में बैठ जाते हैं। पशु सब हाँपे जाते, गर्मी के कारण पशुओं का क्या हाल हो जाता है, वे हाँफने लगते हैं। छाया ही छाया पाने को, सिकुड़ रही शर्माते। अब छाया जो है उस महीने में छाया भी अपनी छाया पाने को, मतलब छाया भी छाया देने को असमर्थ हो जाती है, वह भी शर्म के मारे सिकुड़ जाती है, यानी गर्मी इतनी होती है कि हमें कहीं छाया भी नहीं मिलती। छाया चाहकर भी हमें छाया खुद को लोगों को प्रदान नहीं कर पाती, छाया खुद लोगों को प्रदान नहीं कर पाती, वह भी सिकुड़ जाती है यानी सिमट कर रह जाती है शर्माते हुए। तो क्या होता है, जेठ महीने में धरती तपती है, आसमान भी तपता है, और कण कण हर चीज अंगारे के समान भड़क रही होती है। हरियाली हमारे जो सारे संसार की जो हरियाली है वो भी झुलस रही होती है, तप रही होती है गर्मी के कारण, और सारा संसार भी तप रहा होता है। पक्षी भी गर्मी के कारण घोंसलों में दुबक कर रह जाते हैं, और पशु जो है
हांफते हुए नजर आते हैं। कब? जेठ महीने में। छाया ही छाया पाने को, जो छाया है, छाया होती है, वो खुद ही अपनी छाया लोगों को देने में असमर्थ होती है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी। जब जेठ महीने की गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी छा जाती है, सुनसान हो जाता है सभी सड़कों पर। सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। उस महीने में क्या होता है, दूब होता है घास, दूब का अर्थ क्या होता है, घास। खेतों में उगने वाली घास भी सूख जाती है और कहीं भी हमें नरमी देखने को नहीं मिलती। नरमी यानी जो हमें ठंडक का एहसास हो थोड़ा बहुत भी, वो चीज़ हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जेठ तपे तो बरखा आए। जब जेठ अच्छी तरह तप जाता है तो उसके बाद क्या आता है, जुलाई महीना आता है ना, तो जुलाई महीने में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, बारिश आनी शुरू हो जाती है। जेठ तपे तो बरखा आए। जब जेठ महीना तप तप कर चला जाता है उसके बाद बारिश की शुरुआत होती है और रिमझिम बरसे पानी और हल्की हल्की फुहारें, बारिश की फुहारें जो है, वर्षा की बूंदें गिरने लग जाती हैं। तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जब बारिश की बूंदें होती हैं, वर्षा होती है, तब क्या होता है, धरती की सारी तपन, सारी गर्मी, जितनी भी गर्मी होती है वो सारी मिट जाती है। तपन मिटे धरती की सारी, धरती की सारी, जमीन की सारी तपन जो है मिट जाती है। लहरे खेती धानी यानी खेतों में फसलें लहराने लगती हैं बारिश के आने पर। जो जन जितना कष्ट झेलते, जिस प्रकार धरती तप तप कर फिर उसको वर्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार जन, जन क्या होता है, मनुष्य। जो आदमी जितना कष्ट झेलता है, जितनी तकलीफें झेलता है, जितनी मेहनत करता है यानी जितना तपता है, उतना ही सुख पाते उस मनुष्य को। जो जन, जो व्यक्ति जितना कष्ट झेलते हैं, जितनी तकलीफें झेलते हैं, मेहनत करते हैं, वे व्यक्ति उतना ही सुख पाते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है। हमें परिश्रम करने के बाद ही सुख मिलता है, यही हमारे जीवन का मूल है। जीवन में सुखों का क्या मूल है, तपना यानी कड़ी से कड़ी मेहनत करना ही हमारे सुखों का आधार है, सुख की चाबी है। सबको बतला जाते, जो मनुष्य तपने के बाद सुख पाते हैं वे दूसरे मनुष्यों को ये शिक्षा देकर जाते हैं कि तपना ही सुख की कुंजी है। जो खुद मेहनत करेगा, कष्ट झेलेगा, तो वो दूसरों को भी यही शिक्षा देगा ना कि आप मेहनत करो तभी आपको सुख मिलेगा। उसके बाद देखिए इसके शब्दार्थ। अंबर आकाश, अंबर आकाश, दुबकना छिपना, दुबकना छिपना, नीड़ घोंसला, सिकुड़ना सिमटना, सन्नाटा खामोशी सुनसान, सन्नाटा खामोशी सुनसान, दूब घास, तपन जलन, अंगारा पत्थर कोयला कंडे आदि का दहकता रूप। अंगारा किसको कहते हैं, पत्थर कोयला कंडे आदि का दहकता रूप। हांपना थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना, थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। जेठ मई जून का महीना, रिमझिम हल्की फुहार पड़ना, रिमझिम हल्की फुहार पड़ना, कुंजी चाबी, कुंजी चाबी। श्रुतलेख देखिए, अंबर सिकुड़ना, सिकुड़ना अंगारा, हाफ दुबकना, सन्नाटा कष्ट, कुंजी। उसके बाद देखिए
नीचे दी गई पंक्तियों के सही अर्थ चुनकर लगाइए, सही लगाइए। कण कण बना अंगारा, इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी पड़ना, आग का लगना, धरती का चमकना, अंगारे बरसते रहना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। छाया ही छाया पानी को सिकुड़ रही शर्माते, इसका क्या अर्थ है? छाया भी ठंडक देने में असमर्थ है, छाया बड़ी हो गई है, छाया समाप्त हो गई है, छाया छोटी हो गई है, छाया भी ठंडक देने में असमर्थ है। तपना ही सुख की कुंजी है, तपना ही सुख की कुंजी है। आग सेकने से सुख मिलता है, तपस्या ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। धूप में तपने से सुख मिलता है, कष्ट झेलने से सुख मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? तपना ही सुख की कुंजी है, कष्ट झेलने से सुख मिलता है। उसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, मतलब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, भाव क्या है, इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जेठ महीने के तपने के बाद बारिश होती है, जेठ महीने के तपने के बाद बारिश होती है और हल्की फुहारे बरसने लगती हैं, और हल्की फुहारे बरसने लगती हैं। तपन मिटे धरती की सारी, बारिश के आने पर धरती की सारी जलन खत्म हो जाती है। लहरे खेती धानी, और खेतों में फसल लहराने लगती है। आगे है दूसरा, जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है सबको बतला जाते। जो जन जितना कष्ट झेलते, जन व्यक्ति, जो व्यक्ति जितनी तकलीफें झेलते हैं वे उतना ही सुख पाते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है, यहाँ तपना का अर्थ मनुष्य के लिए क्या आएगा? कड़ी मेहनत करना। तपना का अर्थ यहाँ क्या देखेंगे हम? कड़ी मेहनत करना ही सुख की चाबी है, मतलब सुख पाने का आधार है। सबको बतला जाते, कड़ी मेहनत करना ही सुख की चाबी है, मेहनत करने वाले सबको यही कहते हैं। बच्चों ये जो भावार्थ है, ये वाला और पीछे वाला, अगर ये आपकी बुक में आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ये, ठीक है? तो आपने पहले ये लेसन अच्छे से रीड करना है और बाकी सारा काम बाद में करना है। ओके, टेक केयर।